अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रमज़ान के लिए स्पेशल चिकन चीज़ बॉल की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है और आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे एक बर्तन में आधा छोटा चम्मच तेल डाल देंगे और यहाँ पे ये बॉईल किया हुआ चिकन ले लेंगे। चिकन को जो है हमने बॉईल करके इसके रेशे निकाल दिए हैं। अब इसे हम इस तेल में हल्का सी भून लेंगे। इसे हम इसके लिए भूनेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो हट जाए। अब इसमें हम ये एक शिमला मिर्ची को बारीक कट करके डाल देंगे और इसे भी हम चिकन के साथ हल्का सी भून लेंगे। अब इसमें हम एक चम्मच पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल देंगे और एक चम्मच शेजवान सॉस डालेंगे और थोड़ा सी चिली फ्लेक्स डाल देंगे टेस्ट के लिए। हम इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए चिकन में जो सॉस है वो अब बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे हम दो आलू ले लेंगे बॉईल करके, इसे हम अच्छे से मैश करके ले लेंगे। अब इसमें एक चम्मच नमक डाल देंगे और एक चम्मच काली मिर्ची पाउडर डाल देंगे और इसमें एक चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ये जो चिकन है ये डाल देंगे। ये जब अच्छे से ठंडा हो जाए तभी हम इसमें ये डालेंगे। अब इसे भी हम आलू के साथ इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। देखिए मिक्स करने के बाद हाथ को हम थोड़ा सी हाथ को हम गीला कर लेंगे पानी से और इसके हम बॉल बना के ले लेंगे। अब इसमें हम चीज़ रख देंगे, आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं। ये अमूल का चीज़ है जो मैं रख रही हूँ, आप इसमें मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। अब इसके हम बॉल बना लेंगे। इसी तरीके से हम सारे बॉल्स को पहले रेडी करके ले लेंगे। अब बॉल्स रेडी करने के बाद यहाँ पे हम ये ब्रेड क्रम्स ले लेंगे और यहाँ पे एक अंडे को फेंट के ले लेंगे अच्छे से। इसमें हम काली मिर्च और नमक मिला के लेंगे। अब ये बॉल को हम सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे अच्छे से और फिर इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम लगा लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से हम सारे बॉल्स को पहले हम रेडी करके ले लेंगे। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। तेल जब बहुत ही अच्छे से गर्म हो जाए तो गैस को मीडियम फ्लेम पे रख के हम इसे फ्राई करके ले लेंगे और ये बहुत ही जल्दी लाल होना शुरू हो जाते हैं। हम इसे पलटते जाएंगे। ये देखिए ये बहुत ही जल्दी से पक जाते हैं और लाल हो जाते हैं। पलटते जाएंगे और इसे हम तलते जाएंगे। देखिए ये जो है लाल हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमारे चिकन चीज़ बॉल रेडी है, जो गर्मा गर्म आप अपने घर में बनाइए। रमज़ान आ रहा है, आप इसे अफ्तारी में बनाइए, बच्चों के लिए बनाइए, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। गर्मा गर्म आप इसे खाइए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।